हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोग एक रिक्वायरमेंट के बारे में बात किए थे जो निकल के आई थी सीडेक की तरफ से। लीजिए दोस्तों, एक और वैकेंसी आ गई है सीडेक की तरफ से जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसका डिटेल देखते हैं। सबसे पहले सीडेक का ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं और उसका डिटेल को देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं cdec.in, ये इसका ऑफिशियल लिंक है। सीडेक का जो नाम आ जाता है फुल नेम देखिए, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इसका करियर पे हम लोग जाएंगे और उसका डिटेल हम लोग को वहीं से मिल जाएगा। जैसे मैं करियर्स पे क्लिक किया तो इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, जिसमें से पहला वाला आ जाता है करेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस आ जाता है। जो पहला वाला लिंक मिलेगा हम लोग का हैदराबाद के लिए, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। पीडीएफ डाउनलोड होके तो नहीं आता है, लेकिन उसका डिटेल हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे पोस्ट सबका दिया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक वैकेंसी, जनरल के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर देखिए 14 वैकेंसी आ जाते हैं, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। फिर आता है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, थोड़ा सा नीचे आइएगा उसके तो यहाँ पे जितने भी वैकेंसी हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे पहला वाला दिया गया है देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रेमवर्क के लिए, इसमें प्लस चिन्ह दिया गया है। इस प्लस चिन्ह के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो वो पूरा टेबल बन के आ जाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर दिया गया है, कहाँ का ये कोड है, हैदराबाद का दिया गया है। देखिए नंबर एक वैकेंसी आता है, ड्यूरेशन ऑफ द पोजिशन 1 साल के लिए दिया गया है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में बीई बीटेक एमसीए वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 11th ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में, या तो फिर मास्टर डिग्री आप लोगों का एमटेक वगैरह होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों को क्वालिफिकेशन यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट यानी कि क्या क्या आप लोगों का नॉलेज ये सब में रहना चाहिए वो सब यहाँ पे डिटेल मिल जाता है आप लोगों का। जॉब प्रोफाइल यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए वो मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आप लोगों का सैलरी अप्रोक्स में मिल जाएगा, लगभग 8.9 लाख एनुअल का रहेगा जो 64,000 तक का रहेगा। उसके बाद एज की बात करते हैं तो बिलो 50 इयर्स दिया गया है, 50 से कम होना चाहिए। अब हम लोग का इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे फिर से माइनस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर अगला पोस्ट में क्लिक कीजिएगा तो अगले पोस्ट का सारा डिटेल हम लोग के सामने आ जाता है। उसके बाद फिर से उसका अप्लाई नाउ आएगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे इतने सारे पोस्ट हैं, 9th देखिए 9 तरह के दिए गए हैं, किसी में भी प्लस में क्लिक कीजिएगा उसका डिटेल आ जाएगा। नीचे में आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। किस तरह से अप्लाई करते टाइम आप लोगों का क्या क्या फॉर्मेट में साइज लगेंगे, जो भी साइज के आधार से लगेगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, वो सब डिटेल आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है। 400 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और भी जो डिटेल आप लोगों के लगेंगे, सिग्नेचर, फोटो, डॉक्यूमेंट, वो सब दिया गया है। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट आ जाता है 11 नवंबर 2019 तक इसको लास्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों का यहाँ भी दिया गया है। अब कब एग्जाम होगा और कब इंटरव्यू होगा वो चीज़ नोटिफाइड कर दिया जाएगा मेल के थ्रू, बाय मेल ओनली दिया गया है। देखिए वेबसाइट में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ओनली मेल लिखा हुआ है, तो आप लोग मेल एक्यूरेट वाला दीजिए जो आपका मेल एक्टिव है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह तो हम लोग ऐसे भी परमिट आ रहे डिटेल देख लिए हैं। अब नीचे में उसका एड्रेस दे दिया गया है जो आप लोगों को जानना चाहिए कहाँ का ये दिया गया है। तो यही रिक्वायरमेंट निकल के आई है दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट है सीडेक की तरफ से। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर से अप्लाई करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।